हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ब्लिंग स्पार्कल। इन दिस ब्यूटीफुल वीडियो हम नेट के पंजाबी पटियाला सूट डिज़ाइंस को देखेंगे। तो आज आपको इस वीडियो में डेफिनेटली कैसे एक नेट सूट को अगर आप सिलवाना चाह रहे हैं, कैसे उसको स्टाइल कर सकते हैं, कैसे उसको सिलवा सकते हैं, वेरियस डिफरेंट काइंड, उसके जो नेक पैटर्न है, उसकी कुर्ती की जो लेंथ है और पैंट्स के जो पटियाला पंजाबी सूट में स्टाइल्स हैं, आप कैसे उसको डिफरेंट तरीके से सिलवा सकते हैं, आपको डेफिनेटली इसमें से आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि नेट के जो सूट होते हैं समर्स के लिए होते हैं और काफ़ी हैवी ओकेशन के लिए होते हैं, तो आई थिंक अगर आपको एक नेट सूट सिलवाना है पंजाबी सूट में, तो उसका जो नीचे का फैब्रिक रहता है फ्लोई रहता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा घेरा रहता है, तो नेट उसमें नहीं होता है, सिर्फ ऊपर की कुर्ती और उसका साथ जो दुपट्टा होता है मैचिंग, वो नेट के साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं कि जो नेट का जो फैब्रिक होता है वो आप 2.5 मीटर का अगर आपका दुपट्टा होगा तो आपको कुर्ती के लिए 2 मीटर लेना पड़ेगा, और उसके अंदर नीचे जो लाइनिंग रहती है आप उसके साथ आपको जो कंफर्टेबल हो, जैसे क्रेप है या फिर रेयॉन आप लगा सकते हैं, कॉटन के अंदर लाइनिंग लगा सकते हैं। लेकिन नेट की खूबसूरती जो होती है वो आई थिंक क्रेप या फिर जॉर्जेट में ही आती है, तो या आप वैसा कर सकते हैं। नेट में भी आपको काफ़ी वेरिएशंस मिल जाएंगे टू गो फॉर द पंजाबी सूट। आप एम्ब्रॉयडर्ड वाला ले सकते हैं, पैचवर्क वाला ले सकते हैं, मिरर वाला नेट ले सकते हैं, या फिर जरदोसी जो वर्क हो किया हुआ होता है वो वाला नेट ले सकते हैं, तो सारे ही खूबसूरत लगेंगे। और दुपट्टे की बात करते हैं तो जो आप नेट ले रहे हैं उसी में कटवा सकते हैं, जो फैब्रिक ले रहे हैं, या फिर आप दुपट्टे के लिए उसी रंग में का नेट दूसरा आप लेकर प्लेन वाला सिलवा सकते हैं, या फिर इस तरीके का पोलका वाला भी आपको मिल जाएगा डॉट वाला। तो डिफरेंट